क्या नाम है जी, और गांव को वाईफाई किया गया है, इस कदम को कितना सराहनीय मानते हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम ज्योति है, वाइफ ऑफ संध्या प्रकाश, मैं एमए बीएड और हरियाणा का सोनीपत जिले का शुरू गांव है, जो ये पहला गांव है जो वाईफाई से कनेक्ट हुआ है, जो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पर आधारित है, जिससे आने वाले युवा वर्ग या बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा, चिकित्सा, आप हर क्षेत्र में कहोगे कि हर तरह की विकास में सहायक होगा। जो गरीब बच्चे हैं जो विदाउट ट्यूशन पढ़ते हैं, वाईफाई से अपना सिलेबस, आने वाले हर जानकारी या गृहणियाँ हैं जो समाचार पत्रों से या दूर देशों की जो भी हमारी नई टेक्नोलॉजी आई है उससे अवगत हो। कितना सराहनीय कदम मानते हैं बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, गाँव के लिए? ये जी बहुत ही ज़्यादा सराहनीय, इसकी बढ़ चढ़ कर भाग लेने में, मतलब इसका यूज किया जाएगा बच्चों, जिन बच्चों के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं और जो नहीं भेज सकते, जिन्होंने सिलेबस पाठ्यक्रम का पता नहीं होता, जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके बदलाव, उसके बारे में क्या चेंजेज होके आए हैं, वो सभी बच्चे इसके द्वारा जानकारी ले सकते हैं। जैसे हर एक गरीब बच्चा मोबाइल रिचार्ज नहीं करा सकता, वाईफाई की मदद से वो अपने पाठ्यक्रम, अपनी टीचर, अध्यापकों से और समाज में होने वाले परिवर्तनों से अवगत। क्या नाम है जी आपका? ज्योति रानी। भाई साहब, गांव को वाईफाई करने के पीछे क्या लक्ष्य था और जो है क्या कहेंगे, किस प्रकार का कदम उठाया गया आप लोगों द्वारा? पत्रकार महोदय, आप अपने गांव में विजिट भी किया है और लोगों से बातचीत भी की है, रुझान और स्वागत जो खुले दिल से लोगों ने इस शुरुआत का किया है, तो आप खुद उसको एनालाइज कर रहे हैं। हमारी शुरुआत तो सिर्फ ये थी कि हमने चुनाव से पहले भी वायदा किया था कि हम जो भी बेहतर शिक्षा, चिकित्सा और खेल के क्षेत्र में जो भी बेहतर सुविधाएं हमारे द्वारा दी जाएंगी उसके हर भरपूर प्रयास करेंगे। वाईफाई फ्री कराने के पीछे एक ही कारण है कि आज के इस आधुनिक युग में डिजिटल इंडिया का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, हमने तो महज एक पहल की है, शुरुआत करने की कोशिश की है। अब डिजिटलाइजेशन की बात करें, वाईफाई इंटरनेट सुविधा सबसे अहम हो गई है, चाहे वो पढ़ाई की बात करें, चाहे हमारे को कोई बिल पे करना है, चाहे वो बिजली का बिल है, फ़ोन बिल है, और इससे पहले शिक्षा, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई जो है ऑनलाइन आनी शुरू हो गई है। अब ऑनलाइन कई बार क्या होता है, 300, 350, 400 रुपये का रिचार्ज होता है, उसमें 1-1.5 GB डाटा बच्चों को मिलता है। अब उसमें कुछ घर वाले नाटक देख लें, कुछ बच्चे गेम खेल लें, तो जब उनको नोट्स डाउनलोड करने होते हैं, क्लास अटेंड करनी होती है, तो उस समय तक उनका डाटा और स्पीड जीरो हो चुकी होती है। इतना इरिटेशन होता है बच्चों के अंदर में कि अब क्या करें, लेकिन सुविधा नहीं थी। अब इस वाईफाई से 24 घंटे स्पीड भी और डाटा भी भरपूर रहेगा, खुले दिल से वो पढ़ें, इसके बाद भी अगर उन लोगों को कोई ज़रूरत रहती है तो हम लोग अभी मैनुअल लाइब्रेरी भी सेट करने लग रहे हैं जिसमें वाईफाई की सुविधा पूरी रहेगी, बैठ करके उसमें आप पढ़ाई करें, आपको सिस्टम दिया जाएगा, आपको किताबें दी जाएंगी, जो भी मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में जो बेहतर से बेहतर सुविधाएं ग्राम पंचायत दे सकती है उन लोगों के लिए मुहैया कराएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीरज है और मेरी माता जी श्रीमती सरोज बाला जी, वो इस गाँव की ग्राम पंचायत सरपंच हैं।